दोस्तों, जब भी कोई बंदा गलत काम करता है तो पुलिस वाले उसे अपने ससुराल लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बंदा ससुराल में जाता है तो उसके अंदर चुल मच जाती है वहाँ से भागने के लिए। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ नमूने दिखाऊंगा जो पुलिस से भागने के लिए ऐसी तरकीबें लगा रहे थे कि आप देखने से दंग रह जाओगे। तो आइए आज आपको दिखाएंगे। ये जो ये बंदा एक था, ये जो ही शी गे शायद था, जब इसने कोई क्राइम किया था तो पुलिस से थाने में लेके गई थी। अब ये इसे सज़ा मिली थी 2 साल तक, लेकिन इसके अंदर चुल मची थी जेल से भागने के लिए। इसके लिए इसने अपने एक दोस्त से कुछ कपड़े, लड़की के कपड़े, विग और कुछ और सामान, सैंडल्स वगैरह लाए थे, और ये सोच रहा था कि ये यही कपड़े पहन के जेल से भाग जाएगा। क्योंकि आजकल ही शी में बदलने का तरीका आपको पता ही होगा कि हर कोई बंदा बहन का लौड़ा गे बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप ये देखिए, जब इसने ये कांड किया तो इसको कैसे पकड़ा गया। जब इसने ये विग वगैरह सब कुछ पहन ली तो ये वेटिंग रूम में गया और वेट करने लगा। इसे लगा था कि ये ऐसे निकल जाएगा आराम से, टेंशन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा आगे गया तो पुलिस वालों ने इसे पहचाना और इससे इसके कपड़े वगैरह सब उतरवा दिए। और जब अंदर से देखा गया तो ये पापा का परा निकला और इसकी इतनी जलालत हो गई, सब देख उसका वीडियो भी बना दिया गया। और अब आप जो दूसरे बंदे को देखोगे, और इसकी धुलाई खूब की गई। दूसरा बंदा जो था वो जेल से भागने के लिए आगे गया, लेकिन जैसे ही वो आगे भाग गया तो उसने देखा आगे एक पुलिस वाला है। तो उसने वापस जाने की कोशिश की। फिर जब वापस जाने के लिए हो गया तो उस साइड भी एक पुलिस वाला आ रहा था। जब इसने देखा आगे भी है बंदा, पीछे भी बंदा, तो ये बेवकूफ़ खिड़की तोड़ के भागने के लिए सोच रहा था। लेकिन इसकी किस्मत इतनी ख़राब थी, जैसे ही ये खिड़की से टकराया, देखो ज़रा, खिड़की से खिड़की टूटी ही नहीं। और जब इसे लगा कि अब इसकी बहुत बेइज्जती हो गई और अब इसे ससुराल फिर से लेके जाएंगे और इसकी ऐसी कुटाई होगी, तो ये सीधा लेट गया।